मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शनल है, 18 घंटे नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो कौन कहता है 18 घंटे, लेकिन हाँ जितना भी वक्त पढ़ना होता है वो सीरियसली पढ़ा जाए। तो ये एग्जाम अपने जब भी आपको डीमोटिवेशन हो तो आप अपने मकसद को याद करें और लगे रहें उसमें, एक ना एक दिन रिजल्ट मिलेगा ही, जरूर मिलेगा। हेलो सर। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम निर्देश गंगवार है। सर जैसा कि आप अभी इंटरव्यू देके आए हैं, तो अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में आप थोड़ा बताना चाहोगे? हाँ, सो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था, बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल था, मतलब मुझे लगा था कि मॉक में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड था उन्होंने मुझे एकदम कंफर्टेबल कर दिया चौबे सर ने, और काफ़ी बोले कि मतलब एकदम आप थोड़ा वक्त ले लीजिए अपना अच्छे से, और तो मैं एकदम कंफर्टेबल हो गया था। और क्वेश्चंस भी वही पूछे गए जो मेरे डैप से रिलेटेड थे मोस्टली, उसके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से था नहीं, और वो सिर्फ ओपिनियन उन्होंने लिए, और उसके बाद कोई ऐसा नहीं ग्रिलिंग जैसा कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने सिर्फ मेरे आंसर सुने और उनको एक्सेप्ट करके बाकी अराउंड 30 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला, और ओवरऑल कुछ भी ग्रिलिंग टाइप फील नहीं हुआ, अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस। सो मैंने IIT BHU वाराणसी से माइनिंग इंजीनियरिंग की है, 2020 बैच में मैं ग्रेजुएट हुआ, तब से मैं UPSC की तैयारी कर रहा था, और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था 22 वाला, तो ये और फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा। सर ऐसे कैसे, ऐसे क्यों देखा जा रहा है कि जो IITian है वो ज़्यादातर आगे तक अपना रैंक अच्छा ला पा रहे हैं, और उनका जो ग्राफ था जो आर्ट्स के स्टूडेंट थे उनका कम क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब कुछ ये कॉलेज से लेना देना इसका कुछ है, बस वो ये है कि एक हर एग्ज़ाम का एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होता है, तो UPSC एग्ज़ाम का जो स्ट्रेटजी है अगर एक बार समझ गए तो और उसी दिशा में अगर काम करते रहे तो दिक्कत नहीं होती है मेरे हिसाब से। तो एक बार बस ज़रूरी है ये सिलेबस जान लेना, मॉक वगैरह दे लेना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेना, और उसके हिसाब से अपनी पूरी तैयारी करना। हाँ सर, IIT में होते हुए सर आपने जो ऑप्शनल लिया वो क्या लिया आपने? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शनल है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? हाँ, सो सोशियोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शनल लगा मुझे हमेशा से, मतलब मैंने जब पढ़ा उसको तो देखा मुझे कि यार ये तो समाज से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है, तो ये वही था। और ओवरऑल थोड़ा एक रीज़न इसका लेने का ये भी था कि ये GS से ओवरलैपिंग सिलेबस था इसका, तो इस वजह से मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शन लिया था, और मुझे लगता है कि काफ़ी सही से मैंने पढ़ा और शायद अच्छा किया होगा होपफुली। और सर जैसा कि देखा जाता है कि ये जो जर्नी है अपने आप में बहुत बड़ी जर्नी है, ये एस्पिरेंट्स को जो है पूरी तरह एकदम थका देने वाली है, पेशेंस रखने वाली है, तो उसके अंदर सर घर वालों की तरफ से भी दबाव आता है, बाहर रिश्तेदार वगैरह से भी कई क्वेश्चन होते हैं, उसको आपने किस प्रकार हैंडल किया सर? हाँ, तो इसमें मतलब घर वालों की तरफ से तो ऐसा सच कोई दबाव नहीं था, इनफैक्ट उनका ही ओपिनियन था कि मैं तैयारी करूं, और उन्होंने लगातार सपोर्ट किया, हमेशा करते रहे किसी पूरी तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। सो इसमें हाँ तैयारी थोड़ी है, मतलब डिमांडिंग है, प्रिजर्वरेंस चाहिए होता है इसमें, काफ़ी आपको लगे रहना होगा लगातार अपने जब भी आपको डीमोटिवेशन हो तो आप अपने मकसद को याद करें और लगे रहें उसमें, एक ना एक दिन रिजल्ट मिलेगा ही, ज़रूर मिलेगा। और बाकी अगर थोड़ा लगता है तो मतलब मुझे लगता है कि शुरू के कुछ अटेम्प्ट्स, एक दो अटेम्प्ट्स दे लेने चाहिए पूरी तैयारी के साथ, बाद में लोग दूसरा जॉब भी ले सकते हैं, मैंने दूसरा जॉब ले लिया था तो वो कर सकते हैं। सर जैसे दिन भर कहा जाता है कि 18 घंटे पढ़े जाते हैं, तो आपने भी क्या 18 घंटे पढ़ाएगी? नहीं नहीं, 18 घंटे नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो कौन कहता है 18 घंटे, लेकिन हाँ जितना भी वक्त पढ़ना होता है वो सीरियसली पढ़ा जाए तो ये एग्ज़ाम अचीवेबल है मेरे हिसाब से। मतलब मोस्टली 8-7 घंटे पढ़ें, और उसके बाद एक स्टेज के बाद ऐसा होता है कि जब नहीं पढ़ रहे होंगे तो आपको बुरा लगेगा, तो बस 18 घंटे तो नहीं लेकिन जितना पढ़ें बस अच्छे से पढ़ें, तो ये इसका की है। और सर जो गाँव में रहने वाले बच्चे हैं, गाँव से जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या बताना चाहोगे कि दिल्ली आकर ही अच्छी तैयारी की जा सकती है, कोचिंग लेके ही अच्छी तैयारी की जा सकती है ऑफलाइन कोचिंग से ही, या फिर गांव से रहते हुए भी अच्छे से तैयारी हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, गांव से कर सकते हैं तैयारी, आजकल समय आजकल जो है रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, तो मुझे नहीं लगता दिल्ली में आना है आने की कोई ज़रूरत है, सब कुछ इंटरनेट पे मिल ही जाता है, तो वहीं से पढ़ के और अपने आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सेग्रीगेशन एक रखिए कि अकेले रहिए एकांत में, वहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं आप आराम से। और सर बुक लिस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो बुक लिस्ट तो यार नॉर्मली थी, जो जनरली गूगल पे अवेलेबल है वही मैंने फॉलो की थी, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, RS शर्मा, सतीश चंद्रा मीडिएवल और एंशिएंट के लिए, फिर आपका पॉलिटी लक्ष्मीकांत, तो इकोनॉमिकली श्रीराम IAS, तो यही सारी नॉर्मल बुक्स हैं, वो कहीं भी मिल जाएंगी, मतलब गूगल पे वही सब फॉलो करते हैं, बाकी न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए और करंट अफेयर्स, और आंसर राइटिंग काफ़ी करने की ज़रूरत है मेंस के लिए, प्री के लिए PYQs और मॉक दे लेना चाहिए मेरे हिसाब से सफिशेंट नंबर ऑफ। ठीक है सर, जो अभी प्री आ रहा है उसके लिए आपको एस्पिरेंट्स के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
हाँ सो अभी तो टाइम कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, मुझे वापस जाके प्री की तैयारी करनी होगी इनफैक्ट, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप मॉक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दें, उसके बाद PYQs का एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी है, PYQ का एनालिसिस से पता करें कि UPSC किन थीम्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, और PYQs में जो ऑप्शन हैं उन ऑप्शन को देखें कि किस तरह ऑप्शन अरेंज हैं, तो और थोड़ा किस किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UPSC में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मेरा मानना ही है, तो PYQs को अच्छे से एनालाइज करें और मॉक दें और रिवीजन करें, बस ये तीन काम करने चाहिए। तो सर आपकी जो दिनचर्या थी उसके अंदर आपका जो हॉबी इंटरेस्ट वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह उसमें भी आप खेलना वेलना होता था या फिर सिर्फ पढ़ाई हो पाती? हाँ खेल तो मैं नहीं पाता था इनफैक्ट, लेकिन मैं हाँ क्रिकेट में मुझे इंटरेस्ट है तो क्रिकेट वगैरह मैं देखता था काफ़ी, मतलब बहुत ही अच्छे से फॉलो करता हूँ क्रिकेट को, सो वही एक मेरा इंपॉर्टेंट था कि मतलब जब भी बोर हो रहे हैं तो मैचेस देख लिए, क्रिकेट देख लिया और थोड़ा कभी कभी कॉमेडी शोज देख लिए, तो ये सब। थैंक यू थैंक्स अ लॉट।